बात करूं अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, मुझे अभी काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब आपने ब्लू टिक कैसे ली, मतलब ब्लू टिक कैसे आई, फाइन नहीं करेंगे। देन उसे बता दूं मैं, इसके बाद ये चीज बता दूं आपको, ये देख रहे हो मेटा वेरीफाइड, और हमारा सामान देख रहे हो वो भी पहुंच चुका था, काफी देर पहले पहुंचा हुआ है। ये देख रहे हो जेके ऑटो फ्यूल टैंक, अभी देखा ये फ्यूल टैंक बज बज के ना, मतलब जहाँ पे 30 लीटर का था ना वहाँ 25 लीटर का रह गया। कुछ चीजें छुपाई नहीं जाती, मतलब इन द मीन्स की अगर कोई बोलेगा ना कि भाई साहब आपने ये चीज कैसे ली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार नहीं इसके लिए मैंने ये किया था वो किया था, जो चीजें हैं फ्रंट ऑफ फेस। सो गाइस ये चेक कर रहे हो, फिलहाल दोपहर थोड़ी ज्यादा ही है, चेक कर रहे यहाँ से तिरपाल वाला हट चुका है भाई साहब, ये देख रहे हो ये ऊपर गंद पड़ चुका है। वो क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बारिश हुई 2-3 दिन और ना ये तिरपाल थोड़ा उड़ चुका है यहाँ से, तो ये यहाँ पे ना ऐसे करके कैरी होगा, तो यहाँ पे ना इसके नट वगैरह लगेंगे, देन उसके बाद ही कवर होगा। ये यहाँ से खुल चुका है मेरे ख्याल से, सो चलो इसको बंद करते हैं, आपसे बात करते हैं भाई साहब। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? तो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, तो वेलकम न्यू वीडियो पे, आप सबका मैं आपका दोस्त सादिक मलिक। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी जिप्सी से। मैं जैसे बात कर रहा था कि जिप्सी का काफी देर से ना मतलब काम पेंडिंग है, उसका ये वाला काम करवाना वो वाला काम करवाना, सो आज फाइनली थोड़ा सा मौसम अच्छा दिखा, ये चेक कर रहे हो बाहर दिखा, मैंने सोचा चलो आज जिप्सी का काम ही करवा लेते हैं। आज इसमें क्या क्या चीजें करवानी है वो बता देता हूँ, फिलहाल तो घर से तो निकला हूँ ये चीज करवाने के लिए, अब वो पता नहीं कि क्या चीज हो पाएगी क्या नहीं हो पाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी का ना जो ये तरपाल है ना इसको सेट करवाना है, देन उसके बाद इस गाड़ी के ना शॉकल वाला जो था ना फ्रंट वाले आगे झूला बोलते हैं इसे, तो वो काफी देर से आके रखा था वहां पे, बट ये है कि हम फिट नहीं करवा रहे थे क्योंकि एक तो मुझे रेसिंग उसमें आ गई थी, तो उस जगह 2-3 दिन बिजी रहा, तो देन तभी काम नहीं करवा पाया। तो बट आज हमने सोचा है कि वो गाड़ी का जो काम पेंडिंग है ना वो सारा करवा देंगे भाई साहब। तो इस गाड़ी का एग्जॉस्ट का थोड़ा काम है वो भी करवाना, मे बी अगर सीट्स के ऊपर डल पाए तो वो भी डाल देंगे, गाड़ी की वॉशिंग वगैरह करवानी है, पूरा काम करवाते हैं उसके बाद वॉशिंग करवाते हैं। इसका 4x4 वो उस दिन खराब हो गया था, बट वो उस दिन ठीक हो गया था, चीज़ें कैप्चर क्यों नहीं कर पाया क्योंकि ना फोन टोटली डेड हो चुका था। तो चेक कर रहे हो अपनी गाड़ी आगे से पूरी जेट ब्लैक है, तो फिलहाल टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं, तो देखते हैं भाई साहब क्या काम हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, जो भी हो पाएगा सो इन फ्रंट ऑफ एसी होगा भाई साहब। मेरे थोड़ा ज्यादा गंदा है इसलिए मे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने वॉश इसलिए नहीं करवाया क्योंकि गाड़ी का काम होना था, समझा फिर गंदी होगी फिर वॉश करवाना पड़ेगा, जैसे काम करवाएंगे ना सो वहीं पे हम वॉश करवा लेंगे सो सबसे बेस्ट रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे आ चुके हैं अपने हाईवे पे, ये चेक करो यहाँ पे अब ना यहाँ पे 4 लाइन बनना स्टार्ट हो चुकी है, ये रोड यहाँ से पूरा क्लियर हो रहा है, मतलब ये रहा ना कुछ दिनों के बाद ना मतलब कुछ सालों के बाद सुन लो कि ये रोड ना 4 लेन हो जाएगा, बाद सही मजा आएगा, देन उसका रिंग रोड भी निकल जाएगा वहाँ पे, मैक्सिमम गाड़ी वहाँ से निकलेगी, मतलब कुछ साइलेंट रोड हो जाएगा। व्लॉगर का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे व्लॉगर वगैरह ना काफी धमाल कर रहे हैं, वो चेक करो सामने ये पहाड़ी पूरी काट रहे हैं, मतलब ये रोड पूरा मतलब प्लेन करके ना 4 लेन बन रहा है भाई साहब की। नेक्स्ट मुझे लगता है वहाँ पे 2-3 घंटे लगने वाले हैं, जाके देखेंगे भाई साहब अगर कोई व्लॉगर वगैरह मिल गए तो व्लॉग बना लेंगे, व्लॉगर नहीं मिला कोई तो फिर सेल्फ वगैरह बैठेंगे, देन उसके बाद वो एक दो काम है वहाँ पे उनके बाद के डिस्कस वगैरह करेंगे सेल्फ से। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने गैरेज में, फिलहाल अक्षय भैया नहीं पहुंचे यहाँ पे, अक्षय भैया आ रहे हैं अभी, फिलहाल मैं सोच रहा टायर भी मंगवा लेता हूँ, सो कॉल वगैरह की हुई है मे बी टायर भी आ जाए यहाँ से फिट करवा लें। सो यहाँ पे 2 गाड़ी लगी हुई है, ऊपर देख रहे हो वो 3 लगी हुई है, एक का काम नहीं हो 2 का काम चल रहा है, सो वो काम खत्म होगा उसके बाद अपनी ये लगेगी भाई साहब। चलो फिलहाल थोड़ा वेट करते हैं, देन अक्षय भाई भी आ जाएंगे तो उसके बाद फिर इसका पूरा काम करवाते हैं। यहाँ से नीचे से ना एक ऑयल वगैरह लीक हो रहा है वो देख लो, वहाँ से ऑयल वगैरह दिख रहा होगा आपको, सो ये ऑयल वगैरह चेक करवाते हैं कि लीकेज तो नहीं है, और बाकी एक दूसरे और चेक करवानी थी, आज जब ये ऊपर जाएगी ना तब चेक करवा लेंगे भाई, इसके वजह से टायर में थोड़ी हवा भी कम लग रही है। तो आज फर्स्ट टाइम ना मैं गाड़ी को लिफ्ट होते देखूंगा कि लिफ्ट किस तरह हो रही है भाई, गाड़ी ऊपर नीचे सारा सिस्टम देखूंगा, गाड़ी लिफ्ट नहीं हुई है, सो चलो नीचे चेक करेंगे भाई साहब कि क्या चीज़ें होनी है क्या चीज़ टूटी हुई है वो सब चीज़ें आज पता चल जाएंगी, क्या क्या चीज़ नीचे हैं वो सब पता चल जाएंगे। फिलहाल ऊपर लिफ्ट में दो उसके बाद दिखाता हूँ भाई अंदर क्या क्या चीज़ें इसके। आज प्रॉब्लम पता चलेगी भाई कितने नट निकले हुए हैं क्या क्या चीज़ें निकली हुई हैं कितनी चीज़ें नीचे डैमेज हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे आज पता लगने वाली हैं। ओ वाओ ये ऑयल चेक कर रहे हो भाई साहब, ऑयल कितना लीक हो जा रहा है यहाँ से देख रहे हो, सलेंसर खुला हुआ है, ये सब चीज़ें नीचे खुली हुई हैं, ये चीज़ें आज प्रॉपर पता चलेंगी बंद करना है क्या नहीं करना। तो पीछे वायरिंग सारा काम करवा दिया है, बट ये चेक कर रहे हो भाई साहब यहाँ से ना रबड़ वगैरह ये पूरा निकल गया है, ये देखो यहाँ से मेरा पूरा निकल चुकी है यहाँ से, ये नट भी नहीं है, इसको नट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और भी एक दो चीज़ें देखते हैं आज पता चल जाएगा भाई नीचे से क्या क्या रुकावट हुई गाड़ी को क्या क्या डैमेज हुआ है। सामान देख रहे हो वो भी पहुँच चुका था, काफ़ी देर पहले पहुँचा हुआ है, ये देख रहे हो जेके ऑटो, मतलब इस सामान को इतनी देर लगी ना क्योंकि ये सामान किसी जगह अलग जगह चला गया था, बड़ी मुश्किल से ही पहुँचा है। यहाँ पे हमारे अक्षय भाई पहुँच चुके हैं, क्या हाल चल सकते हैं, लेट कहाँ आपके सामान ढूंढ रहे हैं, मिला सामान। सबसे बड़ी दिक्कत जो हो चुकी है वो इसके नट की हो चुकी है, जो पहले वाला नट है ना तो वो छोटे हैं, वो इसमें अगर डलेंगे ना तो फिर नट नहीं लगेंगे, तो इसलिए हमें नट लाने जाने पड़ेगा अभी फिलहाल, इससे ना बड़े नट लाने पड़ेंगे,
सो वो जा रहे हैं नट लाने के लिए, तब तक ये खाना सा खा लेते हैं। सारे खोल के टायर खुलेगा, पट्टे खुलेंगे, देन उसके बाद फिर जाके कहीं ये चीज लगेगी। चलो वेट करते हैं, तब तक वो आते हैं वापस। तो उसके बाद सो गाड़ी रहेगी ऊपर ही फिलहाल, जब तक नट नहीं पहुंचेंगे तब तक हम ना कुछ खा के आते हैं, या तो चलते हैं पिट स्टॉप में या तो चलते हैं आगे ना फ्राइड राइस खाने के लिए। अक्षय भाई आएंगे देन उसके बाद ये चीज़ फिट होगी। यार देखो कितना टाइम लगता है यहाँ पे, मे बी मेरे आने से पहले काम स्टार्ट हो जाए। सो लंच हमने कर लिया भाई साहब, अभी जाके देखते हैं कि अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। आवाज़ आ रही है, सबसे लगता है गाड़ी का काम हो चुका है स्टार्ट भाई। ओहो लगता है गाड़ी का काम हो रहा है भैया। फिलहाल अक्षय भाई ऊपर होंगे नीचे होंगे यार ये गाइस, यहाँ से चेक कर रहे हो फिलहाल, ये चीज चेक करो भाई साहब, अपने शॉकर लग चुके हैं भाई साहब। तो साथ ही साथ में अपना मैंने फ्यूल टैंक अभी देखा, ये फ्यूल टैंक बज के ना, मतलब जहाँ पे 30 लीटर का था ना वहाँ 25 लीटर का रह गया, क्योंकि ये पूरा प्रेस हो चुका है अंदर को। चलो इसको ना अभी 15 लीटर का करना हमने ऐसे बजा के। यहाँ पे शॉकर लग चुके हैं बैक साइड वाले, ये देख रहे हो जन, इसको फिलहाल थोड़ा सा ना लूज रखना है, क्योंकि गाड़ी ना मतलब जब भी कहीं खड्डे गुड्डे में जाएगी ना नीचे डाउन होता है, तो थोड़े से अगर लूज होंगे ना तो ये ठीक रहेंगे। अगर ज्यादा हार्ड कर दिए फिर गाड़ी अगर ये पट्टे थोड़े नीचे ऊपर नीचे होंगे ना तो ये टूट जाएगा भाई साहब, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब फ्रंट वाला सीन कुछ ऐसे है, फ्रंट वाले वो फिट कर रहे हैं। सो हाफ एन आवर हो चुका है इसको फिट करते करते, तो ये चेक कर रहे हो फ्रंट से लुक कुछ इस तरह की आ रही है। पहले जो लगी थी ना वो ये चीज लगी थी, देन अब फिलहाल ये उतर चुकी है, अब ये वाली चीज लग चुकी है फ्रंट पे। चलो प्रॉपर फिट होने, तो फिर उसके बाद बताते हैं भाई इसका फायदा क्या है, मतलब गाड़ी कितनी लिफ्ट हुई है। गाड़ी लास्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब ये टायर मुझे चेंज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टायर में बड़ा ज्यादा गैप आ रहा है। फिलहाल पिछले टायर में थोड़ा कम ही गैप आ रहा है, बट इस टायर में ना बड़ा गैप आ रहा है, अब ये टायर चेंज करवाना पड़ेगा ना। सो मे बी मैं एक्चुअली से बात करते हैं, मे बी हम फ्रंट वाला बंपर उतार दें, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि फ्रंट वाला बंपर उतार के ना साउथ वाली मूवीज टाइप आती है गाड़ी, सो वैसा कुछ रखूँ। तो देखते हैं फिलहाल इसका ना अभी लिफ्ट हो चुकी है, तो कॉल आती है बात भूल जाती है किस बात पर टॉपिक बात हो रही थी क्या हो रहा था, बट गाड़ी दूर से ना भाई साहब क्या लग रही है, सच में कह रहा हूँ थोड़ी गंदी हो चुकी है। अब गाड़ी पे ना मतलब थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि यार वाकई में गाड़ी कुछ सूटेबल है, काफी अपलिफ्ट हो चुके हैं, तो गाड़ी प्रॉपर मतलब झक्कास लग रही है भाई साहब। सो चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल यहाँ से वॉशिंग मशीन करते हैं, देन उसका एक मस्ती रील बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं भाई साहब। तो है गाइस फिलहाल अप्रोक्स टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। सो मेरी व्लॉग ना पूरा कंटिन्यू नहीं हुआ था, बट मैंने ना सोचा था कि यार ये नहीं डालूंगा, कुछ और डालूंगा मिक्सअप करके। मैं 6-7 बज रहे थे, हम बैठे सारे फ्रेंड्स द्वारा, मुझे एक मैसेज आता है, तो मैंने वो चीज मैं फिलहाल बता दूं। मैं बात किसके ऊपर कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। मुझे अभी काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब आपने ब्लू टिक कैसे ली, मतलब ब्लू टिक कैसे आई। फाइनल में बता दूं मेरा अकाउंट ना वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि मुझे एक फॉर्म आया था, देन उसके बाद ना मैंने वो फॉर्म फिल किया था काफी देर पहले, जब ना सबको पेमेंट वाला आ रही थी ना तब मेरे को एक फॉर्म भर आया था। मेरे को पेमेंट तब बोनस वाला तो नहीं आया था, बट एक मुझे एक फॉर्म आया था कि आप वेरीफिकेशन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सो मैंने फिल किया था, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अकाउंट में ना वो चीज अभी आई हुई है। सो मैं सडनली चेक कर रहा था, सो मेरे को ना एक स्ट्राइक समझ सकते हो कि एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर ना एक वीडियो में चली गई थी, जिसके कारण मुझे वो काफी ज्यादा मतलब डैमेज हुआ इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम काफी हैंडल बैठ गया था। और आपको आ जाती है अगर लोग रिपोर्ट करते हैं, अगर आप कुछ गलत चीज गाइड करते हो या कुछ भी आप इलीगल चीज करते हो ना तो वो चीज आ जाती है। मेरी एक वीडियो के अंदर ना मैंने बेसबॉल की पता नहीं कुछ लाई थी, एक गन वाली वीडियो थी वो लाई थी, पता नहीं क्या चीज लाई थी, उसके ऊपर मुझे ना स्ट्राइक आ गई थी, स्ट्राइक बोल सकते हो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर बोल सकते हो। उसके बाद ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल काफी ज्यादा बैठ गया था। सो मैंने आज चेक किया तो मुझे एक वेरिफिकेशन आया था, मेटा वेरिफिकेशन, मैं आपको दिखाता हूँ, देन उसके बाद फिर बात करते हैं। तो जितने बंदे देख रहे ना ये चीज चेक कर रहे हो, सादिक हुसैन नाम हो चुका है, ये कुछ टाइम के लिए सादिक हुसैन हुआ है, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम होता है ना, सो उसी के रिलेटेड ही आपको ये चीज मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट और मतलब फोन का नेम सेम लेना है सो वो आपको वेरीफाई नहीं करेंगे। देन उसे बता दूं मैं, इसके बाद ये चीज बता दूं आपको, ये देख रहे हो मेटा वेरीफाइड, ये चीज मुझे आई थी। अब मैं आपको जो बंदे बता रहे ना पूछने की भाई साहब आपने ब्लूटूथ कैसे ली है, सो मैं आपको बता दूं एक मेटा वेरीफिकेशन ये पता नहीं क्या चीज है। देन उसके बाद ये देख रहे हो सादिक हुसैन आगे ब्लूटूथ का सब्सक्राइब सिंस एंड आज की डेट बताई इन्होंने कि वेरीफाइड हो चुका है। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैं अभी चेक कर रहा हूँ, ये देख रहे हो सी टूज और अर्निंग मनी सबमिट ऑफ द मोनेटाइजेशन, ये सब चीज़ें मुझे अभी आ रही हैं। अब मुझे खुद नहीं पता और भी क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही, ऊपर से काफ़ी सारे मैसेज भी आ रहे हैं, वो मैं आपको शो नहीं करना चाहता किसके आ रहे हैं किसके नहीं आ रहे। सो ये कुछ है ना पता नहीं क्या क्या है, मोनेटाइजेशन है, उसके बाद ये सेफ्टी है, मेटा वेरीफाइड है अकाउंट, उसके बाद ऐसी है, ये कुछ चीज़ें हैं, खुद नहीं पता कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल मैं आपको बाकी डिटेल बता दूँ कि हुआ क्या था। लोगों ध्यान से सुनना कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, और काफ़ी सारे मतलब अब इंस्टाग्राम पर ना कॉल्स वगैरह आ रही है, मैसेज वगैरह आ रही है कि भाई साहब कैसे अर्न करना है। भाई साहब मैंने ये अर्न नहीं किया हुआ, मुझे अकाउंट में ना वेरीफाइड आया था, सो मैंने वो फिल किया फॉर्म, देन उसके बाद इनके कुछ चार्जेस होते हैं वो आपको पे करें, मैं सही बोलूं सच में इनके चार्जेस होते हैं, वो आपको किसी भी कोई खुद भी देंगे तब भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तभी फॉर्म फिल करना पड़ता है। सो एक चीज अभी फिलहाल आ रही है, मैक्सिमम लोगों ने ले ली है, तो जिनको फॉर्म आ रहे हैं ना सो वो फॉर्म फिल करो, ठीक है, आप 3 डॉट्स पे क्लिक करो, उसके बाद आपको नीचे एक मेटा फॉर्म वेरिफिकेशन आएगा, वो फॉर्म फिल करो, देन उसके बाद अगर आपको वेरीफाई मिलती है तो वेरी गुड नेम मिलती है सब
आपके वो नहीं है, ये जिनको मिल रही है उनको कांग्रेस मेरी तरफ से, और मुझे कांग्रेस कर देना कि मुझे वेरिफिकेशन मिल चुकी है। नहीं चलो ठीक है, खुशी है मिल चुकी है। अब इनकी जो फीस थी वो भी पे कर चुके हैं, मतलब ये है कि अब से ना आपको अर्निंग आना शुरू हो जाती है मुझे अब वीडियोस पे ना, मतलब जैसे यूट्यूब पे डॉलर शो होता ना तो अब आपको इंस्टाग्राम पे डॉलर शो करेंगे, ये भी काफी सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज नहीं है। कि अब प्लीज 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 कोई बंदा इंस्टाग्राम मत पूछना कि भाई साहब वेरिफिकेशन कैसे मिली, मैंने सारी डिटेल बता दी है ठीक है, अभी तक मेरे भी किसी ने नहीं बताई होगी, मैंने बता दी। क्लियर कर दूं, मैं ऐसा बंदा हूं ना कि मेरे से ना कुछ चीजें छुपाई नहीं जाती, मतलब इन द मीन्स कि अगर कोई बोलेगा ना कि भाई साहब आपने चीज कैसे ली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार नहीं इसके लिए मैंने ये किया था वो किया था, ऐसी कोई चीज नहीं है। जो चीजें हैं फ्रंट ऑफ फेस है ठीक है, सच बोलता हूं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और काफी एक इंटरेस्टिंग चीज मे भी आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगी, मे भी वो मेरे चैनल पर भी आएगी, और वो काफी ज्यादा मस्त चीज है। मैं बोल रहा हूँ ऐसी चीज आपको कुछ चीजों का रिप्लाई है ना उस वीडियो में मिल जाएंगे, अभी इसलिए बोलता हूँ अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो इजी कर टू प्लस माइंड से राइट नो करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टेक केयर बाय 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 बाय।